मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यूके की कोर्ट ने लगभग 700 मिलियन डॉलर पे करने का ऑर्डर दिया है अनिल अंबानी को, और अनिल अंबानी को बोला है कि 21 दिन के अंदर अंदर ये लोन जो आपने लिया था सन 2012 के अंदर, उसे आप तुरंत 21 दिन के अंदर अंदर चुकाइए। अब 21 दिन के अंदर इतना बड़ा अमाउंट चुकाना और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में इस कोर्ट की हियरिंग का होना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं कि ये पूरा मुद्दा है क्या, और ये क्या पूरी रिलायंस की कंपनी पर है या उस कंपनी के एक छोटे हिस्से पर है। चलिए इन सभी चीजों की जानकारी आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको देने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले, हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरी मोहन। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट चैनल आपके लिए रहेगा, जिसके अंदर आपको यूपीएससी की एग्जैक्ट गाइडेंस और सही सिलेबस के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। पेनड्राइव सिलेबस से लेकर आप घर पर बैठकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे कैपेबल नहीं है फिलहाल पे करने के लिए और लॉकडाउन की परिस्थिति में पढ़ना चाहते हैं, वो जूम ऐप पर हमारी रेगुलर क्लास चलती है। इस ऐप के लिए आप हमसे कांटेक्ट करके आईडी और इसका एक पासवर्ड ले सकते हैं और घर बैठकर बिना पे किए भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की खबर क्या है। अब खबर यह है कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन पर इस समय 700 मिलियन डॉलर्स पे करने का दबाव है चाइनीज बैंक के द्वारा, और चाइना के जो बैंक है, ये तीन बैंक है जिन्होंने मिलकर एक साथ में केस डाला है, और केस डालने के बाद में अनिल अंबानी को लोन पे करने का प्रेशर डलवाया है, वो भी कोर्ट के जरिए। हालांकि ये COVID-19 के दौरान ही पूरी की पूरी मीटिंग जो हुई है रिमोट हेल्ड हियरिंग हुई है, यानी कि घर बैठे बैठे मीटिंग अटेंड की गई है जिसके अंदर जाना नहीं हुआ है, कोई लंदन की कोर्ट अटेंड करने नहीं गया, घर बैठे बैठे ये हियरिंग हुई है। जिसके अंदर ये क्या मुद्दा आया, मुद्दा ये आया कि अनिल अंबानी की कंपनी यानी रिलायंस कम्युनिकेशन सारी सेक्शन पर लोन नहीं था, सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन पर ये लोन था। अब रिलायंस कम्युनिकेशन ने 2012 में डूबती हुई कंपनी की वजह से ऑलरेडी इस पर एक लोन था, जिस लोन को ना चुका पाने के लिए इन्होंने टोटल सम पर तीनों बैंकों से लोन लिया था। अब लोन को दोबारा लिया गया तो उस पर अनिल अंबानी ने अपनी गारंटी दी थी कि आप इन्हें लोन दे दीजिए, और अगर यहां पर गारंटी के आधार पर अगर कंपनी इस लोन को नहीं दे पाती है तो अनिल अंबानी अपने आप इस लोन को खत्म करेंगे, इस लोन को पे करेंगे। ऐसा जो बैंक के अपोजिट केस किया गया था यूके की कोर्ट के अंदर, चाइनीज बैंक के अंदर, उन्होंने ये क्लेम किया है कि अनिल अंबानी ने इन्हें गारंटी दिया था। अब सच्चाई क्या है ये आगे पता चलेगा। अब बैंक ने डिक्लेयर कर दिया ये केस क्लियर हो गया, तो क्लियर हुआ तो भाई इन्हें 717 यूएस मिलियन का यानी यूएसडी मिलियन पे करने हैं डॉलर्स, किसको, चाइनीज बैंक को। अब रिलायंस कम्युनिकेशन ने इस बैंक के लोन को उतारने के लिए पहले ही ऑलरेडी 2012 के अंदर इनके ऊपर लोन था जिसे रीफाइनेंस करवाया था अनिल अंबानी के द्वारा, और अनिल अंबानी के द्वारा पर्सनल गारंटी का इन्होंने इश्यू उठाया था कि भाई लोन पूरा करने के लिए अनिल अंबानी को पैसा चाहिए। अब उनके बिहाफ पर स्पोक्स पर्सन कहता है कि ऑलरेडी ये जो पॉइंट है इस पर किसी भी तरीके का कोई कंडीशन क्लियर नहीं होता है, अनिल अंबानी ने किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं दी थी, इसका कोई लीगल साइन एग्रीमेंट नहीं है, उन्होंने कोई भी ऐसी गारंटी नहीं दी है जिसके अंदर अगर रिलायंस कम्युनिकेशन पैसा नहीं दे पा रही है तो उसके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चेयरमैन को पैसा देना पड़ेगा अपने बिहाफ पर, ऐसा कोई भी इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है, ऐसा उनके स्पोक्स पर्सन ने बोला। जिस समय हियरिंग आई, हियरिंग के कुछ ही समय के अंदर उनके स्पोक्स पर्सन ने अथॉरिटी के आधार पर कॉन्स्टेंटली एकदम से डिनाई कर दिया कि हम लायबल नहीं है किसी भी प्रकार के लोन को पे करने के लिए। अब आ जाता है सवाल, सवाल क्या आता है कि यूके की कोर्ट कंसर्न में एनफोर्समेंट कर रही है और इंडिया को नियर फ्यूचर में आगे क्या करना है। सबसे पहली चीज, ये एक ऐसा इशू हो जाता है जिसके अंदर चाइना के बैंक से लिया गया लोन और दिल्ली में या इंडिया में बैठे किसी व्यक्ति पर केस किया गया, इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा अनिल अंबानी पर।
अनिल अंबानी पर क्यों असर नहीं पड़ेगा वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले ये तीन बैंक हैं जिन्होंने लोन के लिए अनिल अंबानी पर केस किया है, जिसमें सबसे पहला बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड मुंबई ब्रांच, दूसरा है चाइना डेवलपमेंट बैंक और तीसरा है एक्सिम बैंक ऑफ चाइना। इन तीनों ने मिलकर एक बिहाफ पर यूके की कोर्ट में केस डाला, जिसके अंदर पेंडिंग क्लैरिटी को पेंडिंग मनी को पे करने का दबाव बनाया गया। अब कोर्ट के अकॉर्डिंग भी एक नॉर्मल सा लीगल लॉ है, यदि आपने लोन लिया है तो पे करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसके अंदर एक फैसिलिटी एग्रीमेंट है आउटस्टैंडिंग को पे करने का। अब इस बिहाफ पर अनिल अंबानी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्लियर व्यू किया कि इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन को पैसा दिया 717 मिलियन का और रिलायंस कम्युनिकेशन 2016 के अंदर बैंकक्रप्ट हो गई। 2016 के अंदर उसने अपने आप को जो भारत की कोर्ट है हाई कोर्ट है और देश के अंदर अपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को बैंकक्रप्ट कर दिया। याद रखिएगा रिलायंस कम्युनिकेशन को बैंकक्रप्ट किया है, उसकी बाकी चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चैनल वैसे के वैसे चल रहे हैं। और एक नियम यह भी है कि अगर बाकी चैनल चल रहे हैं और रिलायंस कम्युनिकेशन का लोन है तो चैनल पर उसका कोई पेएबल नहीं है, चैनल वो पे नहीं करेंगे, बाकी जो कंपनी है वो लोन पे नहीं करेंगी। तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने आप को पहले ही इंसॉल्वेंसी प्रूव कर दिया है। अब रिलायंस कम्युनिकेशन के अगर शेयर की बात करें तो इस समय बाजार के अंदर लगभग 1 रुपए से भी कम 80 पैसे का एक शेयर रह गया है। इस 80 पैसे के शेयर में भी 79% शेयर जो है वो लोगों के पास है, यानी रिलायंस कम्युनिकेशन के पास खुद का इतना बड़ा शेयर होल्डिंग नहीं है। यानी कि अगर रिलायंस कम्युनिकेशन ने खुद को इंसॉल्वेंट कर दिया है तो अब सरकार उसके एसेट्स को बेचकर लोन्स की भरपाई करेगी। अब इस पर भी एक पॉइंट है कि लगभग 18,000 मिलियन का रिलायंस कम्युनिकेशन का पूरा एसेट है, 18,000 मिलियन का रिलायंस का एसेट है और लगभग 50,000 मिलियन का इस पर लोन है, 50,000 मिलियन का लोन है और 18,000 मिलियन का इनके पास एसेट है। तो अब कॉमन सी बात ये कि इतना बड़ा गैप चाहे बेशक बन गया है लेकिन सरकार किसी भी प्रकार से अनिल अंबानी से 18,000 मिलियन से ज्यादा के एसेट्स को नहीं छीन सकती है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर पूरी कंपनी ने लोन लिया था, एक व्यक्ति ने इंडिविजुअल लोन नहीं लिया था। तो इस बात को उन्होंने आगे प्रेजेंट किया कि 2016 के अंदर तो रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुकी है और इस परिस्थिति के अंदर इनके ऊपर कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सकता फाइनल अमाउंट को पे करने के लिए। अब इस बात को लेकर इन्होंने SBI का भी इन्होंने हवाला दिया कि SBI के अंदर इंसॉल्वेंसी के अंदर इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, यानी कि कंपनी जो है दिवालिया घोषित हो चुकी है रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसके बिहाफ पर ये अब लोन को नहीं चुका सकती। अब इस बीच में चाइनीज जो बैंक है वो अपना पैसा लेने के लिए लीगल टर्मिनोलॉजी पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर याद रखिएगा कि कोई इसका असर दूसरी एबिलिटीज पर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी के अंदर ही इन्होंने एक बात और बोली गारंटी के बिहाफ पर कि गारंटी एक्ट है और ये है वो, तो इस बिहाफ पर भी अनिल अंबानी के स्पोक्स पर्सन ने क्लियर किया कि ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हो। दूसरी चीज 2016 में जब इन्होंने बैंकक्रप्सी कोड कर दिया है तो इनको आगे फर्दर 2016 के बाद जितने भी केसेस हो रहे हैं उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। अब रिलायंस की बाकी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, रिलायंस पावर ग्रिड है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड है और भी जो बहुत सारी कंपनियां हैं, इन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि चाइना के जो बैंक्स हैं उनका जो दावा है वो एक तरीके से गलत साबित हो जाएगा, जिसके अंदर अनिल अंबानी पेएबल नहीं होगा जो भी अमाउंट इन पर लगाया गया, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल अमाउंट है और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इसके ऊपर एक सेक्शन और भी है जो प्रिंसिपल अमाउंट के बाद जो एक इंटरेस्ट रेट जो बढ़ता जा रहा है उसका कोई देनदारी का सेक्शन अब नहीं बचता है। अब इसके अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ 3 banks चाइनीज बैंक इन्होंने जजमेंट दिया अनिल अंबानी के अगेंस्ट कि भाई पर्सनल गारंटी एक्ट के बिहाफ पर आपको $925 million पे करना था फरवरी 2012 के अंदर। अब ये बात क्लियर हो गई कि पे करना था, 2016 में बैंकक्रप्ट हो गया, 2020 चल रहा है और SBI ने ये बात एक्सेप्ट कर दी है।
अब अनिल अंबानी डिनाई करता है किसी भी इस प्रकार की गारंटी को, और दूसरी बात वो इस समय रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज को पे करने के लिए, लोन एग्रीमेंट की टर्म्स को पूरा करने के लिए। यानी कि इंटरनेशनल बैंक्स के आगे फिलहाल अनिल अंबानी ने खुद को सरेंडर कर दिया है कि बैंकक्रप्ट है, आगे पे नहीं कर सकते। इस बीच में फाइनली जो हियरिंग हुई उसके अंदर इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का डिफेंस जो था नेटवर्थ पर, जो ऑलरेडी जीरो है, ऑलरेडी जीरो है, अब उसको बाकी आगे दबाव नहीं दिया जा सकता। पुश कम टू शो का मतलब अब कितना भी प्रेशराइज कर लो, जब सामने ऑलरेडी कंपनी के पास कुछ है ही नहीं पे करने को, तो कितना भी प्रेशराइज कर लो वो उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और फाइनली यहां पर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इस समय दो तीन चीजें समझ लीजिएगा कि 2016 में रिलायंस कम्युनिकेशन डूब चुका है, और डूबने के बाद जो लोन्स हैं इंसॉल्वेंसी के आधार पर खत्म हो चुके हैं। भारत सरकार का एक लॉ है 2016 के अंदर क्रिएट किया गया था, जिसके अंदर यदि कोई कंपनी खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देती है तो सरकार उसकी पेमेंट पूरी करने के लिए, बैंक की पेमेंट पूरी करने के लिए पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर पूरा पैसा उतारती है। लेकिन जिस परिस्थिति में पैसा ज्यादा हो लोन का और कंपनी के पास पैसा कम हो, तो उस परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रावधान नहीं बचता है। तो इस प्रकार से रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर लगाए गए सारे ऑर्डर्स नल एंड वॉइड हो जाते हैं। हालांकि अनिल अंबानी खुद अपने बिहाफ पर आगे क्या इसके रिलेटेड स्टेप्स लेते हैं, उसके लिए आगे की जानकारी हम आपको फर्दर वीडियोज में देते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।